हेलो एवरीवन इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज अटैच टू ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास स्मॉल एम दिस अरेंजमेंट इज पुल्ड बाय ए अप्लाइंग ए फोर्स कैपिटल एफ एट द रोप एज श्रोन फाइंड द टेंशन इन द रोप फर्स्ट पार्ट एट द जंक्शन ऑफ द रोप एंड द ब्लॉक बी पार्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप तो क्वेश्चन का पहले डायग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दूं फिर हम इसके डायग्राम पे बात करते हैं ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक ये ब्लॉक है ठीक है ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और इसमें एक रूप का नहीं ब्लॉक का मास जो है वो कैपिटल एम दे रखा है तो ब्लॉक के मास को मैंने कैपिटल एम मान लिया और का मास जो है 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 वो स्मॉल मान लिया ठीक ये क्वेश्चन में दिया गया गया और एक एंड से को F4 से को खींचा जा रहा है। अब बोला क्या जंक्शन तो हमें टेंशन फाइंड आउट करना है तो करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम मान लेते हैं और सिस्टम मैंने इस वाले पार्ट को सिस्टम मान लिया पहले ठीक है ताकि इससे एक्सेलरेशन मैं निकाल सकूं जब ये एफ फोर्स ये वाला एफ फोर्स इस पूरे सिस्टम के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है तो ये पूरा सिस्टम आगे की ओर ए एक्सलेशन से मूव करेगा और ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू ए और एक्सलेशन की वैल्यू हो जाएगी एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दिस इज द एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक क्लियर चलिए ये बात आपको सुन आती है अब बात आती है टेंशन निकालने की तो टेंशन निकालने के लिए मैं इस सिस्टम को ब्रेक करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैंने ये एम मास के ब्लॉक को अलग रख दिया ठीक है और ये रोप हमारी ये रही ये रोप इस पे हमने कैपिटल एफ फोर्स लगाया इसमें एक टेंशन फोर्स टी इधर लग रहा है और दूसरा ये टी टेंशन इस तरीके से लग रहा होगा हमने देखा कि सिस्टम जो है वो ए एक्सलेशन से मूव कर रहा है तो ये वाला ब्लॉक भी ए एक्सलेशन से मूव करेगा और ये वाला ब्लॉक भी ये वाला रोप भी ए एक्सलेशन से मूव कर रहा होगा अब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को किसी भी एक पार्ट पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये ओनली ऑन टेंशन फोर्स है जो कि इस वाले ब्लॉक को आगे की ओर एक्सलेट करा रहा है तो मैं टेंशन की वैल्यू लिख सकता हूँ कैपिटल एम इन ए और टेंशन की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम ए की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एफ बाय कैपिटल एम स्मॉल एम तो ये हो जाएगा टेंशन दू एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल टेंशन इन द सिस्टम एट दिस जंक्शन पॉइंट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है आप इस क्वेश्चन को यहां से भी सॉल्व कर सकते थे ये जंक्शन पॉइंट में टेंशन यहां से भी निकाल सकते थे तो इसके लिए इक्वेशन मैं बना के छोड़ देता हूँ और बाकी का आप लोग खुद सॉल्व करिएगा क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा रोप आगे की और एक्सलेशन से मूव कर रहा है एफ फोर्स की तरफ तो एफ फोर्स ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू टेंशन तो एफ माइनस टी लिख दिया मैंने डेट इज इक्वल टू और इस वाले रोप का मास है स्मॉल एम तो स्मॉल एम इन टू ए अब इसको मैं इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल ए एम ए इक्वल टू टी और ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल एफ बाय ये इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा ठीक है तो ये आ जाएगा इसको मैं अगर थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो कैपिटल एफ एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टेंशन फोर्स और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल एफ एम प्लस स्मॉल एफ ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट सुनना होगा इसमें हम लोगों से नेक्स्ट पार्ट जो पूछा गया है बी पार्ट वो क्या पूछा गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको छोटा सा थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ मैं इसको ये मैं इधर इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर एडजस्ट कर देता हूं यहां हो जाएगा और इसको मैं एडजस्ट करके यहां कर देता हूं हाँ ये हो जाएगा ठीक है अब बी पार्ट क्या पूछा गया है देखिए बी पार्ट में ये बोला गया है कि अगर इस पॉइंट पे ये दिस इज द मिड पॉइंट दिस इज द मिड पॉइंट ये वाला मिड पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या टेंशन होगा तो इसको हम लोग इस सिस्टम को यहीं से ब्रेक कर लेते हैं तो यहां से ब्रेक करने के लिए मैंने ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक बना लिया और ये रोप हाफ रोप मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और यहां से मैंने रोप को ब्रेक कर दिया अब यहां पे एफ फोर्स लग रहा है और यहां पे टेंशन टी वन लग रहा है और यहां पे मैंने टी वन टेंशन मान लिया ठीक है अब देखिए क्योंकि रोप जो है हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया तो यहां इस वाले रोप का हाफ पार्ट का मास कितना हो जाएगा? M by 2, इस वाले का m by अब देखिए पूरा, पूरा सिस्टम आगे की ओर ए एक्सलेशन से मूव कर रहा है तो मैं टी वन की वैल्यू बस ओनली ऑन वन मेथड से बताऊंगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय टू इन टू ए क्योंकि सिस्टम का मास कितना हो गया आप देखिए ये तो एम मास कैपिटल एम मास ब्लॉक का मास और एम बाई टू रूप का मास इन टू ए तो टी वन इज इक्वल टू एम प्लस टू एम प्लस स्मॉल एम बाय टू हो जाएगा दिस इज एंड ए और ए की वैल्यू हमने देखी थी ए की वैल्यू हमने यहां देखी थी कैपिटल एफ बाय प्लस एम तो टी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू एम प्लस स्मॉल एम बाय टू कैपिटल एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हमने ए की वैल्यू पुट कर दिए तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू एट द मिड पॉइंट ऑफ द रूप आ गया आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो होगा और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर